हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 11th क्लास में आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है इंडस्ट्रीज, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। इससे पहले के लेसन्स में हम लोगों ने देखा कि व्यापार वाणिज्य का विकास कैसे हुआ, जिसको तीन स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। और उसके बाद वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि व्यापार क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है। उसी सिलसिले में आज हमारा नया टॉपिक मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योग से आशय। इस टॉपिक में उद्योग से आशय में उद्योग होती क्या चीज है, उद्योग क्या होता है। उद्योग एक ऐसा स्थान है जहां पे रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को विक्रय हेतु या विक्रय योग्य बनाया जाता है। इट मीन्स दैट इंडस्ट्रीज इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल आर कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड गुड्स, यानी कि पूर्णतया फिनिश्ड गुड्स में इसको पूरी तरीके से निर्मित बने बनाए माल में प्राप्त किया जाए। इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखते हैं, इंडस्ट्रीज इज अ प्लेस जनरली, इसकी सबसे नॉर्मल डेफिनेशन है, इंडस्ट्रीज इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल आर कन्वर्ट इंटू फिनिश्ड गुड्स। अर्थात उद्योग एक ऐसा स्थान है जहां पे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें विक्रय योग्य बनाया जाता है, अथवा अर्ध विक्रय योग्य यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स प्राप्त इसमें किया जाता है। इसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे तीन तरीके से, एक इसमें रॉ मटेरियल एंटर कर रहा है इंडस्ट्रीज में, इस ब्लॉक को हम लोग एक एज ए इंडस्ट्री मानते हैं। रॉ मटेरियल एंट्री किया और यहां से फिनिश्ड गुड्स यानी कि बनी बनाई चीजें बाहर आई। दूसरे में रॉ मटेरियल, दूसरे कंडीशन में क्या होता है, रॉ मटेरियल एंट्री करेगा और सेमी फिनिश्ड गुड्स बन के निकलेगा। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है कि इसमें सेमी फिनिश्ड गुड्स एंट्री करेगा और अगले स्टेप में फिनिश्ड गुड्स यानी कि निर्मित चीजें बाहर आएंगी। तो ये तीन तरीके से जनरली इसमें इंडस्ट्रीज में काम होते हैं और इंडस्ट्री एक वाणिज्य का अंग है। अगली चीज, नेक्स्ट चीज आती है कि इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। जनरली इंडस्ट्री को पांच प्रकार से बांट दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री या जननिक उद्योग। आमतौर पे हम इन उद्योगों में मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन यानी कि एपिकल्चर, एसीकल्चर, इस टाइप के उसको शामिल करते हैं। जैसे मछली को पालना, उसको बेच देना, पशुओं को पालना, उनको सेल करना, इस टाइप की इंडस्ट्रीज में, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में ये हमारी बातें आती हैं। नेक्स्ट चीज होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जो कि खनन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि माइनिंग, जैसे कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, जैसे सोने की खदानें, सोने चांदी की खदानें और कोयले की खदानें, पेट्रोलियम को जमीन से बाहर निकालना, अरब वगैरह कंट्रीज में इस टाइप की इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं।
जिसमें से जमीन से पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं, उसके बाद में उसको अलग अलग रिफाइनरीज में ले जाके वहाँ से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, LPG, इस टाइप की चीज़ें यहाँ से हम लोग हासिल करते हैं। अगली इंडस्ट्री आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग में निर्माण कार्य से रिलेटेड वर्क होते हैं। इसमें किसी न किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, जैसे कि शक्कर बनाना, कपड़े बनाना, ये सारी यानी कि जो ऑयल मिल होती है, राइस मिल होती हैं और चीनी मिल होती हैं, वस्त्र उद्योग होते हैं प्रायः आमतौर पे इन इस निर्माणी में इन्हीं टाइप की चीज़ों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज रचनात्मक उद्योग, ऐसे उद्योग जिसके तहत किसी न किसी चीज का निर्माण होता है। भवन का निर्माण होना, कहने का मतलब स्रोत होते हैं प्राकृतिक स्रोत, उससे उनको विक्रय योग्य बनाना, भवन का निर्माण होना, फ्लाईओवर का निर्माण होना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें रचनात्मक उद्योग में आती हैं। अगला हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री होता है। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न उद्योगों में बनी हुई चीजों को, विभिन्न विभिन्न उद्योगों में बनी हुई चीजों को एक साथ एक अलग उद्योग में इनको असेंबल किया जाता है और इसको विक्रय योग्य बनाया जाता है। जैसे हम लोग समझते हैं मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर होता है, जिसमें हर कोई विभिन्न विभिन्न इंडस्ट्रीज उस डिफरेंट डिफरेंट उसके मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल्स को तैयार करती है, तो ये बाद में इसको एक जगह असेंबल किया जाता है। कार की जैसे स्टेयरिंग व्हील कहीं और तैयार हो रही है, व्हील्स कहीं और तैयार हो रही है, बाद में इसको एक जगह लाके इसको असेंबल कर दिया गया। भारत में इसका बहुत, अब मोबाइल वगैरह जितने भी होते हैं इसके सॉफ्टवेयर्स या मदरबोर्ड या जो भी कुछ होते हैं इसमें, उनको एक जगह लाके असेंबल करना, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज क्या होती है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे कच्चे माल से उसको विक्रय हेतु बनाया जाता है, इसे इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और इंडस्ट्रीज का सामाजिक भी बहुत महत्व, इंडस्ट्रीज कई सारी ओपन होती हैं तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है, उनकी बेरोजगारी खत्म होती है। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है व्यवसाय के या व्यापार के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस, व्यापार के उद्देश्य क्या होते हैं। प्रायः आमतौर पे इसके दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला लाभ का उद्देश्य, यानी कि प्रॉफिट मोटिव, और सर्विस मोटिव। व्यापार का पहला सबसे मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कोई भी व्यापारी एक जब व्यापार करता है तो ये सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए,
और दूसरी बात होती है कि सेवा का उद्देश्य यानी कि लोगों को सर्विस दी जाए। पहले बहुत समय पहले जब व्यापार होता था तो जनरली उसका मुख्य उद्देश्य सामान्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता था, क्योंकि उस समय कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। लोगों का सिर्फ यही उद्देश्य होता था कि वस्तुओं का निर्माण किया जाए और उसे किसी ना किसी तरीके से बेच लिया जाए। फिर धीरे धीरे कंपटीशन के दौर में इसमें कंपटीशन बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, एक ही टाइप की कई सारी वस्तुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, एक ही टाइप की कई सारी वस्तुएं आई। अब व्यापारी जो था, जो भी व्यापार करता है, उसका सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना उद्देश्य ना रह के उसका उद्देश्य सेवा का भी उद्देश्य हो गया, यानी कि सर्विसेज। सर्विसेज से तात्पर्य है कुछ सर्विसेज दी जाती हैं ग्राहकों को, विक्रय पूर्व सेवाएं और विक्रय पश्चात सेवाएं, यानी कि विक्रय करने से पूर्व ग्राहकों की पसंदगी को या कंज्यूमर लाइकनेस को भी काफ़ी हद तक ध्यान में दिया जाता है। और इसके बाद विक्रय पश्चात सेवाओं में, इसकी विक्रय पश्चात की सेवाओं में जैसे कि गारंटी, वारंटी, इस टाइप की सर्विसेज, ताकि ग्राहक उसे भविष्य में उस चीज़ को दोबारा खरीदने के लिए तैयार हो और लॉन्ग टर्म में बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये इस उद्योग, ये इस बिजनेस के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। और भी इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं जिसकी, और भी कोई सारे उद्देश्य होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।